हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आगे मैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो आज की इस वीडियो में मैं खेलने जा रहा हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस। अब भाई क्लैश ऑफ क्लैन खेले हुए मेरे को हो चुके हैं चार पाँच साल पहले की बात है भाई, जब हम पिछले टाइम में ना 8-9 आईडी लेकर खेलते थे। लेकिन अभी मैं सिर्फ एक आईडी से खेल रहा था जो बिल्कुल आपके सामने, ठीक है, जिसमें मैंने ये अपना नाम बना रखा है एकदम। मतलब इसमें कभी कभी आता था मैं एक मंथ में एक बार अटैक कर गया, या फिर दो मंथ में एक बार आके अटैक कर गया, या कुछ भी कर गया, मतलब ओपन कर लेता था जस्ट। लेकिन बाकी की 8-9 आईडी मेरी ऐसी ऑफलाइन पड़ी है, मतलब फ्रेंड सर्कल में से आईडी थी, मेरी खुद की आईडियाँ थी भाई, काफ़ी ज़्यादा मैंने बांट दी ऐसी भाई, जो भी थी ठीक है। लेकिन एक आईडी मेरे पास अभी भी पड़ी थी जो भाई मैंने संभाल के रखी हुई थी, वो 4 साल से मैंने ओपन नहीं की। तो चलो आज इसको ओपन करते हैं। फिलहाल के लिए तो इसको ओपन करके मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि 4 साल के बाद मैं वापस आया हूँ तो क्या सीन रहता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बोल रही है नॉट अ स्टेप क्लोजर, मतलब तुम पास मत आओ भाई। भड़की हुई है, हमारा विलेजर भड़के हुए हैं भाई हमारे ऊपर। ये बोल रहे हैं आई नो अ डिसगर्ट गोबलिन बेन आई सी वन, पता नहीं क्या बोल रही है, मेरे को इंग्लिश इतनी आती नहीं है। वी आर डन विद आवर रिसोर्स बींग स्टोलन बाय एवरीवन, मतलब ये बोल रही है कि हम पक चुके हैं कि तुम हमारे रिसोर्स उड़ा उड़ा के लेकर जा रहे हो, मतलब जो जो भी हमारा जो सामान है तुम उड़ा के चले जा रहे हो, और इसको ले जाने के लिए तुम्हें करनी होगी फाइट। भाई मैं मेरे खुद के वेस से फाइट कर रहा हूँ, बताओ। अजीब लॉजिक है यार इनका। चलो जो भी है, मैंने आज से 2 साल पहले ये वीडियो देख रखी है ऑलरेडी कि कुछ ऐसा होता है। अगर सीधा सीधा बोलूं तो इन्होंने एक स्टोरी क्रिएट कर दी बंदा जो काफ़ी टाइम के बाद लौट के आएगा। लगभग मेरे हिसाब से आपको 6 मंथ ना ये आईडी ऑफलाइन रखनी पड़ती है, मेरी तो 4 साल हो गए। और ओके ये 3 स्टार करवा के मानेंगे, क्यों? क्योंकि भाई आर्मी भेजे जा रहे हैं, आर्मी लिमिट ख़त्म हो चुकी है आर्मी कैंप की, फिर भी ये आर्मी और भेजे जा रहे हैं। 3 सेकंड के बाद अभी और आएगी, ओके 16 बैलून और आ चुके हैं। हालांकि भाई मैं 8 से ज़्यादा नॉर्मल में नहीं लेकर जा सकता, ये 16 और आ चुके हैं इतने ड्रैगन फेंकने के बाद, और ज़्यादा आर्मी देते जा रहे हैं। मतलब कुछ भी करो ये 3 स्टार करवा के ही मानेंगे। ओके हम भी कर देते हैं, हमें क्या भाई, हमारा बेस खुद का तोड़ रहे हैं, कितना बुरा लग रहा है हमको। चलो जो भी है ठीक है, छोड़ो इस सब बातों को, बाकी देखते हैं इसको 3 स्टार करने के बाद अभी क्या होगा, ठीक है। ओके हम करते हैं बैक। वो यू आर प्रेटी स्ट्रांग फॉर अ गॉबलिन, ये बोल रही है कि आप बहुत तगड़े हो गॉबलिन के लिए, जिसको ये गॉबलिन समझ रही थी। यू आर नॉट गॉबलिन चीफ, इट इज़ रियली यू। हाँ हम ही हैं, हमारे बेस पे तुम खुद ही अटैक करा रहे हो। थैंक गुडनेस यू आर बैक, हाँ हाँ हम वापस आ गए। सॉरी फॉर मिस्टेकिंग यू आर फॉर गॉबलिन, सॉरी मेरी इंग्लिश बहुत बेकार है, छोड़ो यार इतनी जल्दी फास्ट नहीं पढ़ पाऊँगा मैं। ओके छोड़ो इन सब बातों को, ये समझ चुकी है हम वापस आ चुके हैं। और ये बोल रही है कि आपसे कोई बात करना चाहता है, वो बहुत रूड है। अब ये बुड्ढा भाई एक नया इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने, ये क्लैन कैपिटल समथिंग कुछ आया है नया वाला अपडेट, इसमें भाई ये कुछ और नया बेस बनाना पड़ता है। और ये बोल रहा है कि तुम्हारा बेस बिल्कुल छोटा है क्या, ये इसमें चीटियां रहती हैं, तो इधर आकर देखो जहाँ पे भाई बहुत तगड़ा बेस है, ये है वो है। भाई हमें अपना बेस अच्छा लगता है, तू अपने में खेलना जाके इधर क्यों टांगा डाल रहा है भाई आके तू। चलो जो भी है छोड़ो, इसका जो ट्यूटोरियल है मैं इसको ख़त्म करता हूँ, उसके बाद चलते हैं वापस उधरी। और ये बोल रहा है आर्मी रेडी करो, और अटैक वगैरह के लिए भी बोलेगा, अभी मेरे को पता है ये सब कुछ इसका। ओके इसको बोल रहा है इधर अपग्रेड करो, अरे बस कर भाई, पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे मेरा, अरे बस ख़त्म हो जा, ख़त्म प्लीज़। ओके डन। और ये बोल रहा है ग्रैंड विल्डर सैंड फॉर्ज ओवर, ओके हमारे पास यहाँ पे इसने कुछ भेज दिया है जिसको जिसके कॉइन से हम अपग्रेड कर सकते हैं उस क्लैन कैपिटल को, लेकिन हम फिलहाल के लिए उधर ध्यान ही नहीं देंगे, हम देखेंगे इधर क्या क्या हुआ है, ठीक है। ओके 3 स्टार करने के बाद अब हमारे पास भाई काफ़ी ज़्यादा लूट पड़ी है भाई, सीरियसली स्टोरेज 2 बार फुल हो जाए इतनी लूट पड़ी है इधर लेफ्ट साइड में। ये बोल रहे कि जब भाई कोई अटैक करके भागते जा रहा था तो वो जहाँ पे गिरा देता था, हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया सबको। ओके सही है यार ये भी। ओके ये बोल रहे ट्रूप रेडी हैं, आप एक्साइटेड हैं आपके लिए, तो आप उनको ट्रेन करके अटैक करो। ओके हमारे ऑलरेडी ट्रेन पड़े हैं, और कहाँ, ओके बिल्डर हट पे एरो आ रहा है, तो ये बोल रहे हैं बिल्डर ने कुछ ना कुछ किया है। मतलब सीधा सीधा मैं बताऊं तो इन्होंने खुद ब खुद अपग्रेड किया। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा अपनी आईडी ऑफलाइन रखते हो ना, तो ये पीछे से कुछ ना कुछ अपने आप अपग्रेड करने स्टार्ट कर देते हैं, अगर आपकी 6 मंथ से ज़्यादा ऑफलाइन रहे तब।
पर लेकिन बहुत स्लो अपग्रेड होता है, बहुत स्लो मतलब बहुत ज़्यादा ही स्लो। मैं इतना बार बार बोल रहा हूँ तो भाई आप खुद समझदार हो। अगर आप ऑनलाइन रहोगे कभी कभी आके अपग्रेड लगाओगे तो वो बेटर रहेगा। इससे इन्होंने मेरी 57 वॉल्स कर दी, तीनों हीरो कर दिए, इन्फर्नो टावर और बम टावर अपग्रेड कर दिया, ठीक है, जो भी है थोड़ी बहुत बिल्डिंग अपग्रेड कर दी इन्होंने, तीनों हीरो कर दिए, ये बहुत बेस्ट बात कर दी इन्होंने। ओके, ये बोल रहे हैं कहीं लेबोरेटरी में से थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ओके, बारबेरियन कर दिए इन्होंने और बैटल ब्लिम। अरे भाई मैं दोनों चीज़ें नहीं यूज़ करता, जो 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 इन्होंने अपग्रेड कर दी, चलो छोड़ो। ओके, हमारे पास एलेक्जर पड़ा है तो हम कुछ ना कुछ अपग्रेड लगा देते हैं। ओके, जेटी लगा देते हैं क्योंकि भाई जेई तगड़ा ट्रूप है, अभी आगे इन फ्यूचर हम इसी को यूज़ लेंगे। जिन भाइयों को नहीं समझ में आ रहा मैं उनको बता दूं कि मैं एक नई वीडियो डालूंगा, मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे, मतलब एकदम गेम शुरू से शुरू करूंगा जे वाली में, उसके बाद मैं आपको पूरा समझा दूंगा जिनको नहीं समझ में आ रहा। बाकी फिलहाल के लिए इस वीडियो को भी देख लो, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा। और मैंने गोल्ड थोड़ा ख़राब कर दिया और दूसरी साइड की भी हम वॉल अपग्रेड कर देंगे, लेकिन हमको स्टोरेज फुल भरनी पड़ेगी। हाँ, ये कन्फर्म फुल भरनी पड़ेगी, इसके बाद ही अपग्रेड हो पाएगा। वॉल्स यार काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस खाती हैं, वैसे ठीक भी है यार, एक एक वॉल को इतना मतलब लगेगा टाइम, नहीं तो भाई सभी के सभी बंदे अपग्रेड करते यार बेस को जल्दी जल्दी, चलो क्या कर सकते हैं। और बाकी क्लेन गेम चल रही है, थोड़ी सी क्लेन गेम चेक कर लेते हैं और इसमें क्या क्या है। ओके, हम एक मिशन उठाते हैं और एक अटैक भी कराते हैं, देखते हैं भाई कैसा हाथ बैठ रखा है हमारा, 4 सालों के बाद फिर से ऑनलाइन आए हैं तो देखते हैं थोड़ा बहुत अटैक करने चलते हैं। ओके, हमारे पास आया टाउन हॉल 11, मतलब हमारे बेस से थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग, जो भी है मेरे को लग तो रानी अपग्रेड तो भाई उड़ा डालेंगे इस बेस को, मतलब पूरा डेड बेस है यार, एकदम टूट जाएगा जी, मतलब 3 स्टार हो ही जाएगा। हमने 3 स्टार वाला मिशन भी उठा लिया क्लैन गेम से। हाँ भाई, जिनको नहीं समझ में आ रहा सीरियसली मैं एक बात बताता हूँ, जीरो से स्टार्ट करेंगे हम इसको, फिर से नई आईडी बनाऊंगा एक, मैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं तो जस्ट ये दिखा रहा हूँ कि भाई इतने सालों के बाद मैं ऑनलाइन आया हूँ, बस जो जो जानते क्लैश ऑफ क्लैन के बारे में भाई उनको समझ में आ चुका होगा कि भाई अगर आप काफ़ी टाइम के बाद ऑनलाइन आते हो तो कुछ ऐसा मिलता है आपको अपने बेस पे, ठीक है, मतलब मस्त स्टोरी क्रिएट कर रखी इन्होंने जो भी है। और आपको बूस्ट भी काफ़ी ज़्यादा फ्री में मिल गया होगा, ऐसी मतलब 4-5 दिन का बूस्ट मिला है हमको फ्री में, वो चलते जाएगा, आप आर्मी फटाफट रेडी करके अपना बेस अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है, वो 5 दिन का बूस्ट है। अगर आप 6 मंथ ऑफलाइन रहोगे तब मिलेगा ये सब कुछ आपको, ऐसे फालतू में नहीं ये देते कि भाई आप 1 मंथ ऑफलाइन रह गए तो उसके बाद ये आपकी चीज़ें भी अपग्रेड होगी, ऊपर से आपको बूस्ट भी मिल गया, ऐसा नहीं होता। ओके गाइस, हमने कर दिया 3 स्टार, कुछ ऐसे ही सीन था हमारे क्लैन गेम का, भाई एक मिशन पूरा हो गया और हम जहाँ से गिफ्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बस यही थी भाई आज की वीडियो, और हम 4 साल के बाद हमारी पुरानी आईडी में वापस आए थे। भाई सीरियसली बता रहा हूँ, पुरानी ज़्यादा ताज़ा हो चुकी है, स्कूल टाइम पे खेलते थे भाई, क्लास में यही चलता था कि भाई वॉर चल रही है तो वॉर अटैक कर दो सभी, ये कैसे ना कैसे करके वॉर विन करनी है, तुम ये करो वो करो, क्लैन में यही चीज़ें चलती थी भाई, मेरा टाउन हॉल तेरे से ज़्यादा बड़ा है, तुम चल मेरे को चैलेंज कर, ये कर वो कर, यही चलता रहता था भाई तब तो। भाई यही अकेली मतलब उस टाइम की राजा थी ये गेम, चलो हम इसको दोबारा से खेलेंगे अभी, भाई सीरियसली मज़ा आ गया भाई खेल के, अभी बाकी शुरू से शुरू करूँगा इसको दोबारा से। मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है और कितना मैं एक्साइटेड था इस गेम को खेलने के लिए दोबारा से, जो भी था ठीक है। ओके गाइस, यही थी आज की वीडियो, बस मैं कल से इसको जीरो से स्टार्ट करूंगा तो आप भी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो, अभी मैं कैसे कैसे बेस को अपग्रेड करूंगा आप भी मेरे साथ साथ ऐसे ही चल सकते हो, ठीक है गाइस। आशा करता हूं आज की जे वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।